Hello everyone, now we will discuss how to find the square root by division method. ठीक है बेटा, कि हमें square root निकालना है वो भी division method से। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऐसे कोई नंबर आपको दिया था तो उसके हमने क्या कर लिया बेटा, prime factor कर लिए थे और pair बना के उसको हमने solve कर लिया था। अब हम लोग जो है आपको ये बताएंगे कि square root कैसे निकाला जाता है डिवीजन मेथड से। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको दो सबसे कॉमन स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर वन तो ये है कि जैसा आपको पता होना चाहिए वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, इवन टू का स्क्वायर क्या होता है बता दीजिएगा फोर होता है, थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन होता है, और फोर का क्या होता है वेरी गुड बता दीजिए मुझे एक बार आपके लिए, सिक्सटीन होता है, फाइव का होता है 25 वेरी गुड, और सिक्स का क्या होता है वेरी गुड 36, सेवन का क्या होता है ये तो आपको मैंने बोला ना याद कर लीजिए, 50 तक कम से कम याद कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों को कम से कम 9 तक याद करना ही होगा। ठीक है बेटा, 81 तो किस स्टार हमें इसे करना होता है। अब ये क्या इंपॉर्टेंस इसकी ये अभी हमें समझना पड़ेगा। तो पहले स्टेप ये होता है, नंबर दूसरा स्टेप होता है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 1 2 2 5। ठीक है बेटा, ये है आपका क्वेश्चन, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हमें पेयर बनाने हैं और पेयर बनाने होते हैं लास्ट से, मतलब लास्ट की 2 डिजिट लेंगे ये पेयर बन गया, फिर ये 2 डिजिट लेंगे तो ये वाला पेयर बन गया, और इस तरीके से फिर आप लोगों को ऐसे अपना क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं डिविजन मेथड से तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर 3 डिग्री दीजिएगा, यहाँ पर 4 डिग्री दीजिएगा, 4 डिग्री आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये इसका मेथड नहीं है। आपको समझना है, अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो आपको यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, मीन्स दोनों सेम होते हैं, मीन्स आपको इनमें से कोई नंबर उठा के रखना होता है। अब आप देखिएगा कि 12 से कम है तो 12 आ जाए, देखिए 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 ये ज्यादा हो गया तो इन दोनों के बीच में आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा 9 और 16 के बीच में पड़ेगा 12, तो बड़े को छोड़ दो छोटा चलेगा, यानी कि 3 डिजिट आएगा, यहाँ पर भी हम लोग 3 रखने वाले हैं और यहाँ भी 3 रखने वाले हैं, 3 डिजिट क्या हो जाएगा 9। ठीक है, फिर प्रोसीजर सेम रहेगा, आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है 12 में से 9 जाएगा 3, और पूरा पेयर यहाँ पे केवल आपको 2 नहीं उतारना है, जो पेयर आपने बनाया होता है दो नंबरों का वो आपको सेम का सेम उतारना होता है, मीन्स 2 डिजिट का आपका पेयर बनता है और सेम का सेम आपको नीचे लिखना होता है। अब क्या करना है अगले स्टेप में देखिएगा, ध्यान से सुनिए, इन दोनों को ऐड करना होता है, करिए 3 और 3 कितना होता है 6, उसे हाँ लिख देते हैं। अब कंडीशन ये है, जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वो सेम मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, दोनों की बजाय करके यहाँ लिखना पड़ेगा, मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो फिर मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई मुझे पूरे नंबर में करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 124। हालांकि इसमें अभी 3 जा 4 जा 5 जा भी चल सकता है, वैसे इसमें 5 जा चल जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से, तो इसमें आपका 5 जा चलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 65 की मल्टीप्लाई अगर 5 में करते हैं तो देखिए 5 5 25 टू कैरी 30 में टू ऐड करेंगे तो कुल हो जाएगा 3 3 25, और ये भी आपका 325 है और ये निकल गया आपका स्क्वायर रूट। समझ में आ बेटा आप लोगों को, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको और भी काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 35 इसका मतलब है कि 35 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो वो 1225 आएगा। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, यदि आप चाहते हैं तो इसको देखो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे हमने लास्ट वीडियो आपको समझाया था, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, कि पहले इसको 5 से डिवाइड करा, कि 5 2 10, 5 4 ऐसे करके बेटा, फिर 5 से फिर पेयर बना के सॉल्व कर लेते हैं, वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इस वाले मेथड में हम लोग बात कर रहे हैं डिवीजन मेथड की, और डिवीजन मेथड इस तरीके से आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इन ऑफेंस देखिएगा कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका 625 है, मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, नंबर दूसरा स्टेप आपको पेयर बनाना है, पेयर कहाँ से बनाते हैं पीछे से, तो पेयर बनाना है यहाँ से, ये वाला पेयर ये वाला पेयर। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसके 2 नहीं हुए तो कोई दिक्कत, 1 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पीछे से आपको 2 का बनाना है, फिर चाहे 2 का हो या 1 का वो चलेगा। नंबर दूसरी बात, अगर यहाँ पर देखो 2 पेयर बने हैं तो इसका आंसर 2 डिजिट का होगा। देखिए अगर यहाँ पर एक नंबर है आपके पास ये वाला,
इसके आप वो बनाइएगा पेयर कैसे बनाते हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितने पेयर बने, देखो एक पेज कंप्लीट हुआ है कि ये भी पेयर ही माना जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि इसका आंसर जो आएगा 3 डिजिट का होगा। अगर यहाँ पर आपके 2 पेयर बने के अलग बन गए तो इसका 2 डिजिट का आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अभी भी इसमें 3 डिजिट होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो 1 2 3 4 इसका आंसर 4 डिजिट में होगा। आप देखेंगे तो आपसे पूछ लेता है कि इस नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो कितने डिजिट में होगा, कितने डिजिट में होगा ये समझना है। आगे बढ़ते हैं, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है आप देखते रहिएगा। ये लगाया आपने इस तरीके से, ये लगाया आपने इस तरीके से, समझाया। अब हमें देखना 6 कहां था, इन दोनों में 6 देखो कहां था, इन दोनों के में 6 आएगा, ठीक है। ये बड़ा इसको आप रिजेक्ट कर दो, इस वाले को लेके 4 को, तो ये चलेगा 2 2 4, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है बेटा। 2 2 क्या हो जाएगा आपका 4, कितना बचेगा यहाँ पे से 2। फिर क्या करना होता है, 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये कि आपको सेम का सेम ही उतारना है, इसमें से 2 उतारेंगे 25, बिल्कुल 25 उतारना होता है, पूरा पेयर आता है 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 4, समझ में आ रहा आप लोगों को। अब हमें ये देखना है इसमें यहाँ पे जो भी नंबर हम लिखेंगे सेम यहाँ लिखना है और मल्टीप्लाई होकर ये सेम नंबर आ जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं ना 20 तक आप देखेंगे, इन सभी में आपको यही करना है कि लास्ट का पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि रिमाइंडर 0 ही बचता है, लेकिन वो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये गारंटी है कि जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपका रिमाइंडर 0 बचेगा, देखिएगा। अगर लास्ट में 5 आपको पता है 5 ही रखना होगा, और आप अभी दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिएगा 45 225 ही होते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ये आपका कैंसिल हो गया। आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं 625 का तो वो 25 होता है, और वैसे भी तो आपको याद भी होगा कि मैंने बताया कि 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है बेटा 625 ऑप्शन का रिजल्ट, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं नंबर 3, ये आप खुद करके देखेंगे, नंबर 4 भी खुद करके देखेंगे, 5 मैं कर देता हूँ, चलिए ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आप तरीका समझ लीजिएगा। ये है 2025, बताइए क्या करना है, सिंपल तरीका है, कर सकते हैं इसको। ऐसा करता हूँ 12 छान वाला कर देता हूँ, ये आपके लिए इजी रहेगा। 12 96, यहाँ पे आपको पहले पीछे से पेयर बनाया बेटा, दो दो का पेयर बनाना होता है, जब बने तो ठीक, नहीं तो फिर एक का बनाओ। एक क्वेश्चन तो ये समाप्त होता है। अगली कंडीशन ये है कि जो नंबर यहाँ होगा सेम यहाँ होगा, 4 4 जा कितना होता है 16, ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9 चलेगा, तो 3 यहाँ पर लिखो, 3 यहाँ पर लिखो, 3 3 जा 9 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 12 में से अगर 9 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है 3, और ये आ जाएगा आपका 96। 3 और 3 कितना होता है 6, मतलब इन दोनों को आपको जोड़ना होता है, फिर बात है दोनों का क्या लिखना होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको जो भी नंबर लिखना है जो यहाँ आएगा सेम यहाँ, और इस वाले की उस पूरे नंबर की मतलब की हिस्से माना चाहिए। अब देखो 6 लाना है तो पता है 6 आएगा बेटा ना, सिक्स आगे देखो 6 6 36, 3 कैरी, 36 में 3 ऐड कर दिया 39, और ये आ जाएगा आपका आंसर, समझ में आया लोगों को। तो मीन्स हमें समझ में आया कि यदि हम 1296 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आएगा आपका 36। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। 8, चलो मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, 8 देख लीजिएगा, 8 को कैसे करना है। जी हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे हम खुद कर लेंगे, लेकिन नहीं बेटा, पहले आप अच्छे तरीके समझ लीजिएगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पहले क्या करना है, पेयर बनाना है, तो सबको आ गया होगा बनाना। चलो अब हमें देखना 96 कब आता है, 96 इन्हीं में कोई यूज करके लेके आना है। लास्ट में देख लेते हैं 99 जा 81 होता है, मीन्स वैसे तो चलेगा नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें हम 10 9 जा लगा देंगे, वो गलत मेथड होगा। अगर 10 यहाँ पे लिखोगे तो 10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर आपने 9 यहाँ लिखा है तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, तो 9 जा कितना हो जाएगा 81, क्योंकि इसके आगे 10 10 जा होता है मैं मानता हूँ, बट इट विल बी 100, दैट इज मोर देन 96 है ना बेटा। 96 से क्या होगा, वो ज्यादा होगा, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 15, क्या होता है 04, इन दोनों का क्या करना होता है ऐड करना होता है, ऐड करके यहाँ रखना है। अब यहाँ पर जो नंबर होगा सेम यहाँ भी आएगा, वहाँ भी आएगा ऊपर, बताइए क्या आना चाहिए, 2 या फिर 8 जा। जी हाँ, 2 में से 1 होगा, अगर ये नंबर है तो यहाँ पर 8 लगा के देख लेते हैं, 8 जा 64 होता है, 70 होता है, ठीक है बेटा, और शायद भी आपका कंफर्म हो जाएगा।
ये आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पता चलेगा कि आप 9604 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो होता है 98। क्या होता है बेटा? 98। कर लेंगे इस तरीके से। पहले आप क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करना सिखाएंगे 10। ठीक है, जब 10 कर लोगे तो आपका अपना भी हो जाएगा। या कर लेते हैं 9th, कर लेते हैं 9th में क्या है, ये है 10,000। ठीक है बेटा, 10,000। पहले कुछ भी करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सबसे पहले ये करना है कि हमें इसके पेयर बनाने हैं, वो भी लास्ट पे। लास्ट की दो डिजिट का पेयर बनेगा, फिर अगली दो डिजिट का बनेगा। इसका नहीं बनना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे करके छोड़ देंगे। फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। अब देखो ये कब आएगा, वन तो तभी आएगा बेटा जब वन बन जाए, वन होगा तो वन यहाँ लिखो, वन यहाँ लिखो, वन से वन हो जाएगा, कैंसिल। अब आगे क्या करना है, अब हमें दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, जोड़ लिया, लेकिन आपने दो जीरो उतारे है ना बेटा, ये तो इस बात है। तो अगर आप अगले नंबर पे जाओगे तो पहले आपको यहाँ भी एक जीरो लगानी पड़ेगी, यहाँ भी एक जीरो लगानी पड़ेगी, फिर इसे उतार सकते हो। ये अभी भी इस टेबल में नहीं आएगा तो आप फिर से यहाँ पे एक जीरो, फिर से यहाँ एक जीरो। इसको ध्यान से समझना था, ठीक है? नहीं समझ आया तो दोबारा समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका 10,000, आंसर आएगा 100। ठीक है, इसी प्रकार से आप 9 वाला देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 10 से निकल रूल से ये क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया देखो करना क्या होता है बेटा। जैसे हमने लिया है 90,000, ठीक है, तो इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, लास्ट के दो अलग बनाने होते हैं, ये अलग और ये अलग। ठीक है बेटा, इसमें क्या चलेगा डायरेक्ट, ये 2 2 4, 3 3 9 चलेगा ओबियसली। तो यहाँ पर 3 3 3 3 9, फिर ये कैंसिल। अब देखो आगे कुछ बचा नहीं हमारे पास, तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास दो प्लेयर है ना, उसके लिए आप पहले जीरो लगाएंगे, फिर इस वाले के लिए भी एक जीरो लगाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 90,000 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, इट विल बी 3 हो गया। और भी आप इस प्रकार से सवाल निकाल सकते हैं, 40,000 का निकाल सकते हैं, 60,000 का निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा अगला है 15625। ठीक है बेटा, चलिए इसको भी सोल्व करके दिखाते हैं। ये आपका 11 क्वेश्चन है और ये है 15625। पहले लास्ट के दो अलग, ये दो अलग, ये अलग। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, पहले इसमें आप लोगों को ये देखना है कि वन कब आता है। वन वन जब वन में आता है तो यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, ये सेकंड से। इसके आगे बताओ क्या करना है। अब इसके आगे क्या करेंगे आप लोगों को, 56 कहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, वन वन क्या होता है, टू। तो यहाँ पर आप टू लिखेंगे, टू यहाँ पर आएगा, इट विल बी 44। संदर्भ बेटा आप लोगों को क्या सब्टेक्ट बचेगा, 12। अभी तक हमारे क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो जा रहे थे, अब आगे बढ़ना है तो यहाँ तक हो चुका है। अब इसे उतारेंगे, टू नहीं उतारना, टोटल 25। जो भी आपने पेयर बनाना होता है वो सेम यहाँ लिखना होता है। अब देखिए इस नंबर में हम पूरा 12 नहीं जोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है। पहले तो आपने 1 1 ऐड कर लिया, 2 हो गया था, याद है ना आपको। अब केवल क्या करना होता है, ये तो पूरा नंबर लेते हैं 22, ठीक है, इसका लास्ट का डिजिट लेते हैं, इस नंबर का लास्ट का डिजिट 2 है, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, कुल हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 24 आएगा, ध्यान से सुन लीजिए फिर से। यहाँ पर जो भी नंबर हो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर में से आपको जब भी लेना लास्ट के डिजिट लेनी है। अगर वहां पर 3 4 डिजिट है तो लास्ट के डिजिट उसमें आप ऐड कर दो, पूरा नंबर ऐड नहीं करना है तो गलत हो जाता है। चलिए 5 आना लास्ट में, तो यहाँ पर देखिए 5 आया होगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप बेटा। ठीक है, 1 2 2 5, और ये आ गया आपका इस पर आपको निकालना है। वो तो आप लिखे तो आप तो बता देते हैं यहाँ से, तो आपको अलग कॉपी पे एक बार लिख लीजिएगा और फिर सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 15625 का जो होता है ना, वो होता है 125। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप 125 की मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 125 में आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए अभी आपको खुद निकालना है। ठीक है, अब कौन सा निकाल बताओ, चलो ये निकालें 64516 क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि देखो तरीका समझ लीजिए पहले आप, बस एक बार अगर तरीका आपको समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 516, पहले लास्ट का पेयर बनाया, फिर इन दो का पेयर बनाया, फिर इसका पेयर बनाया, ऐसे करा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और ये देखना है कि 2 3 6 नहीं चलेगा बेटा, ध्यान रखो। तो 3 3 9 चलाओ आप, या 2 2 4 चलाओ, बेस्ट कौन सा रहेगा, 2 2 4, वेरी गुड, 2 2 4, सबट्रैक्ट करो दोनों को, 2 बचेगा,
अब क्या करना है, देखो दो यहाँ ऑप्शन है आपके पास, दो कंडीशन होती है, एक तो ये आपके यहाँ लिखना होता है और एक इन दोनों को जोड़ना होता है, इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है यहाँ पर, और ये जो एक आपका पूरा पेयर है इसको यहाँ उतारना होगा, ठीक है, उसको अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना जो इसके आसपास पहुंचा है, या तो पूरा इससे कैंसिल हो जाए, या इससे कम होना चाहिए, या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या चला दें, आई थिंक 5 से चल जाएगा बेटा, यानी 5 आ रहा है, 5 से क्या मतलब होगा कि आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। आपको मैं बता देता हूँ कैसे आया होगा, देखिए आपके पास 4 ऑलरेडी था, ठीक है भैया, आपने सोच लो 6 चलाया, 6 चला के देखिएगा ज्यादा बैठ जाएगा इससे, 6 जा होता है 36, 3 क्या 24, तो आप 3 ऐड कर जाएगा 276, तो 276 से बड़ा नहीं हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है 5 चलेगा, 5 से मल्टीप्लाई आप करके देखो, मुझसे पहले करके दिखाओ, चलो 225 मैंने कर दी, आपसे पहले होगी नहीं होगी देखा, तो 225 आ गया हमारा, तो ये से कम है तो ये चल जाएगा, तो इसमें आप लोग 6 जना चला के 5 और 5 चलाएंगे, समझ आ रहा बेटा, अब 5 की मल्टीप्लिकेशन करी होगी तो ये आंसर आएगा, आप करके देखिएगा, अब इसे सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करके बचेगा 20, ये आ जाएगा आपका 16 2016, ये ईयर का नाम नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। अब देखिएगा, अब हमें पूरे 45 में ना तो 2 ऐड करना है ना 25, लास्ट का डिजिट ऊपर में से लास्ट का डिजिट ऐड करते हैं, तो लास्ट का डिजिट क्या है 5, 5 ऐड करा कितना हो गया 50, बस ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उसी दिन आपको सॉल्व आ जाएंगे निकालने, जब तक ये समझ में नहीं आएगा डाउट रहेंगे, तो ध्यान रखना है जो भी नंबर यहाँ होता है आपको उसमें लास्ट का डिजिट ऐड करना होता है, ठीक है। चलिए 50 में अब आपको टेबल चलाना है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब चलाओ देखो कितना आ रहा है 4 4 16, सवाल बता देता आपको कि मैं कहते हैं यहाँ पे कैंसिल होने वाला हूँ या सोल होने वाला हूँ, देखिएगा मल्टीप्लाई करके देखना आप इस चीज में, तो यही आएगा इट विल बी कैंसिल, फिर आप लिखेंगे 64516 विल बी इक्वल टू 254, ठीक है। जो बड़े बड़े ऑपरेशन है, जो बड़े बड़े सवाल आपके हैं वो आप डिविजन मेथड से करते हैं, जो 4 डिजिट तक के क्वेश्चन है, 3 तक है, 5 के भी तो एटलीस्ट चल जाते हैं, उनको आप लोग प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, डिविजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए और थोड़े से और बड़े क्वेश्चन आ गए तो फिर बेटा डिविजन मेथड ही सबसे उपयुक्त आपका तरीका रहेगा। चलिए आप फिर से आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज 160801। क्लियर, अब पहले हमारा जो कार्य होता है वो होता है कि हम पेयर बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं पहले पेयर, एक इसका पेयर अलग बन गया, इसका पेयर अलग बन गया, इसका पेयर आपका अलग बन गया, ठीक है बेटा 3 पेयर बने, इसका जो आंसर होगा वो भी 3 डिजिट का आएगा, देखिएगा जितने पेयर बनेंगे उतने डिजिट का आंसर आता है। क्या यहाँ पे मैं 4 4 16 चला सकता हूँ, बिल्कुल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा ध्यान सुन लीजिएगा, अब आपको ये उतारना है, मतलब ये वाला पेयर उतारना है 01, ठीक है पूरा नहीं उतारना, बस केवल एक ही पेयर एक बार उतार सकते हैं, अगर ये उतारना है उसके फिर आपको 0 लगाना होता है, वो आगे समझा देंगे, फिलहाल आपने ये उतारा था 4 4 क्या हो गया 8, अब ये नहीं है 8 डेटा तो यहाँ पे 1 लगा दिया, 1 लगा दूंगा 8 हो गया, ऐसे कैसे 8 हो गया बेटा, दिमाग लगाइएगा, जो नंबर यहाँ लिखोगे वो सेम यहाँ लिखोगे और फिर मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 81 भी हो जाएगा, 81 होने के बाद तो ये तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो उसके यहाँ पे आप दिमाग लगाइएगा, अगर यहाँ पे आपने 1 किया तो 81 बन जाएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा है, जो कि इससे बहुत बड़ा है, तो इसको करने का तरीका होगा कि आपको ये उतारना होगा 01, लेकिन ये उतारने से पहले आपको यहाँ भी 1 0 लगानी पड़ेगी और यहाँ भी 1 0 लगानी पड़ेगी, मीन्स जो भी ऑपरेशन आप यहाँ चलाओगे वो सेम होने का पड़ेगा। चलिए अभी हमने उतार लिया, अब फिर से देखते हैं क्या कुछ होगा, हाँ बिल्कुल इस बार देखो 1 चलाइएगा 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करो 801 ही आ जाएगा, आया कुछ समझ में, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको ऐसे 20 सवाल और कराए जाएंगे, ठीक है इनमें समझिए और देखो फिर अगले वीडियो में 20 सवाल आपको और मिल जाएंगे, ये आपको अच्छे तरीके से समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, 401 विच इज योर आंसर, ठीक है। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे बेटे, ठीक है 20वां करेंगे और देखते हैं कि आप इसको समझ पाएंगे या नहीं, ये इस वीडियो का निश्चित अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है फिर अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, अब जिसको समझ आना होगा आ जाए, जिसको नहीं आना होगा जय श्री राम, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर है 1 3 4, ये है 5 6 00, ओहो पेयर बना लेते हैं पहले, ठीक है बेटा पेयर कैसे बनते हैं, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है
हाँ पहला तो यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट का होगा, जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा बेटा 1, 2, 3, 4 डिजिट में आंसर आएगा इसका। देखिएगा वन बच्चा क्या होता है, वन होता है, ये कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, 34 उतारना है। इसके आगे क्या करना होता है, जो आपका ये वन और वन होता है इसको हमें ऐड करना होता है, ये टू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा, बंजर चलेगा। तो वन यहाँ दिखाया, वन यहाँ दिखाया, 21 हो गया। फिर आपने क्या करा होगा, ये थ्री ये वन। अब क्या करना है, देखो दो है ना, दो ऑप्शन होते हैं, एक हमें एक आगे करना होता है कि 21 में क्या करना है, वन एड करना, लास्ट का डिजिट ऐड करना होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरा नंबर लेना है, ऊपर में से वो नंबर लेना है जो लास्ट में चलाया था आपने, लास्ट में ये चला था ना, तो वन इसमें ऐड होगा तो इट विल बी 22। और हमें क्या करना होगा, 56 को यहाँ पर एज इट सेम लिखना होगा। अब यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि मल्टीप्लाई होके सेम आ जाए, ठीक है बेटा। तो देखिएगा मल्टीप्लाई होके सेम आएगा तो शायद 6 से आएगा ना बेटा, क्योंकि 6 जा क्या होते हैं 36, ओके, 6 2 जा 12, 3 आए थे, तो मतलब आप गुणा करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका पूरा, लेकिन अभी भी दो जीरो बची हुई है। तो याद रखो जब आपका कुछ जीरो जीरो ऐसे बच जाता है, जैसे दो जीरो मतलब एक ही तो आपका मतलब पेयर होता है, तो वहां पर आप एक जीरो लगा देना, यहाँ पे लगाना लगा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाए, कर लेंगे इस तरीके से आप लोग। उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।